नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो कोती मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही कोती मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, रामपुर में और आजमगढ़ में मतगणना लगातार जारी है और लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। काउंटिंग के बीच में एसपी के उम्मीदवार ने कहा ईवीएम से हो रहा है खिलवाड़। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है और इन दो सीटों के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, मतगणना के बीच आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं पुलिस प्रशासन पर। उन्होंने कहा है कि मुझे मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मतगणना केंद्र के अंदर ईवीएम से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस दौरान यहां पर धर्मेंद्र यादव की पुलिस के साथ में नोकझोंक भी हुई है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा तो वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इस बीच यहां पर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं और धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि मशीनें यहां लोग बदलना चाहते हैं। और वहीं इस बीच अब आप लोगों को आंकड़े बताते चलें, जो ताजा आंकड़े इस समय आ रहे हैं, रामपुर लोकसभा सीट पर 12 राउंड की अब तक गिनती पूरी हो चुकी है और लगभग यहां पर रिजल्ट क्लियर हो चुका है। जहां पर आप लोगों को बताते चलें, सपा के प्रत्याशी 15,000 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं और उनकी जीत यहां पर तय मानी जा रही है। और वहीं इस बीच आजमगढ़ से भी आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव आगे हो गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सीएम योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया है पक्षी, वाराणसी में करवानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की अचानक से वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने सुबह 9:05 पर सर्किट हाउस से पुलिस लाइन पहुंचे और हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए उड़ान भरी, लेकिन पक्षी से टकराने के बाद यहां पर पुलिस लाइन में ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करा दी गई और यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, नूपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है कोलकाता पुलिस, एक और समन पर नहीं हुई है हाजिर, दिल्ली रवाना हो सकती है कोलकाता पुलिस और हो सकती है नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी। खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक बार फिर से कोलकाता के एक पुलिस थाने के समन का पालन करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब तक 2 बार कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा को समन जारी किया है और उनको हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन नूपुर शर्मा कोलकाता पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई। और वहीं इससे पहले आप लोगों को बताते चले, मुंबई में भी यहां पर नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और मुंबई पुलिस ने कई दिनों तक नूपुर शर्मा की तलाश की, लेकिन उनका कुछ भी अता पता नहीं चला। और इस बीच कहा जा रहा है कि दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है कोलकाता पुलिस और यहां पर नूपुर शर्मा की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें, महाराष्ट्र के सियासी उथल पुथल के बीच यहां पर बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। वडोदरा में आधी रात क्या कुछ हुआ, फडणवीस से मिले एकनाथ शिंदे और वहीं सर्किट हाउस में मौजूद थे गृहमंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, जैसा कि पहले से ही अंदेशा था कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार है और इसमें अमित शाह सीधे तौर पर मिले हुए हैं, अब वह साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में 5 दिनों से चल रहे सियासी संग्राम के बीच शिवसेना के बाकी नेता एकनाथ शिंदे ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। सूत्रों का कहना है कि उस समय वडोदरा में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, रात करीब 10:30 देवेंद्र फडणवीस को मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखा गया था और वहीं बताया जा रहा है कि प्राइवेट जेट से एकनाथ शिंदे शुक्रवार रात को गुवाहाटी से वडोदरा रवाना हुए थे और मुलाकात के बाद शनिवार सुबह करीब 6:45 पर वो गुवाहाटी भी लौट गए।
तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब तक पर्दे के पीछे से गृह मंत्री अमित शाह खेल कर रहे थे, अब तो खुलकर के यह मामला पूरी तरह से जनता के सामने आ चुका है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मेघालय के गवर्नर ने की है अग्निवीर योजना वापस लेने की मांग, कहा ये नौजवानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर से राज्यपाल सत्यपाल मलिक उतरे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर के मोदी सरकार की बेचैनी और भी बढ़ा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से विपक्ष के साथ मिलकर के अग्निपथ योजना को वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना कभी भी देश की युवा पीढ़ी के हित में नहीं है, बल्कि इस परियोजना से गांव और सरकार के बीच की दूरी और भी बढ़ेगी। यह पहली बार है जब किसी राज्य के राज्यपाल ने अग्निपथ परियोजना के खिलाफ बात की है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से इस योजना को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं, क्योंकि यह परियोजना किसी भी तरह से युवाओं के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पहले से ही कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया है, यह वादा करते हुए कि राज्य सरकार में अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा जब वह रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों के आश्वासन की खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि इस बात की गारंटी कहाँ है कि जो लोग वादे कर रहे हैं वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या उन्हीं की सत्ता रहेगी, नतीजतन वे जो कहते हैं वह आता है और चला जाता है। ये यहाँ पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक भड़के हैं मोदी सरकार पर, इस बार उनके निशाने पर है अग्निपथ योजना। एक और बड़ी खबर बताते चलें, लाखों शिव सैनिक हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। बगावत के बीच एक बार फिर से बोले हैं संजय राव, शिवसेना नहीं अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें। बाकी खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि राज्य में सरकार बनाने के लिए भाजपा भी अब सक्रिय हो गई है। पहले भाजपा के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना के बाकी नेता एकनाथ शिंदे से यहां पर मुलाकात की, और वहीं अब खबर आ रही है कि असम के मंत्री अशोक सिंघल भी शिवसेना के बाकी विधायकों से मिलने के लिए होटल में पहुंचे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस बीच संजय राउत ने एक बार फिर से बाकी विधायकों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोग उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर ही भरोसा रखेंगे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने शिवसेना नाम का इस्तेमाल ना करने के लिए भी बागियों से कहा है और अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें और वोट फिर मांगे। संजय राउत ने कहा है कि उन्हें जो करना है करने दो, मुंबई तो आना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, उनको वहां बैठ करके हमें क्या सलाह दे रहे हैं। और लाखों शिव सैनिक हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन हमने अभी भी संयम रखा हुआ है। ये यहाँ पर संजय राउत ने करारा जवाब दे दिया है यहाँ पर शिवसेना के बाकी नेताओं को। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।